नमस्कार मनी गुरु में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ स्वाति रायना। अगर आप घूमने के शौकीन हैं और इस फेस्टिव सीजन घूमने का प्लान बना रहे हैं तो आपको ट्रैवल इंश्योरेंस जरूर ले लेना चाहिए। इंश्योरेंस कवर ना आपको सिर्फ टेंशन फ्री छुट्टियां मनाने का मौका देगा बल्कि ट्रैवलिंग के दौरान कुछ भी हुआ तो उसकी भरपाई भी करेगा। तो क्या है ट्रैवल इंश्योरेंस, ट्रैवल इंश्योरेंस में क्या क्या होता है कवर और कितना प्रीमियम आपको भरना होगा, तमाम बारीकियों के लिए हमारे साथ है आज ऑप्टिमा मनी के मैनेजिंग डायरेक्टर पंकज मठपाल। पंकज जी, आपका बहुत स्वागत है मनी गुरु के आज के इस ट्रैवल इंश्योरेंस स्पेशल एपिसोड में। सबसे पहले पंकज जी, आपसे यही हम जानना चाहते हैं कि कई लोगों को शायद पता ना हो, उनकी समझ के लिए ट्रैवल इंश्योरेंस क्या है और क्या है ट्रैवल इंश्योरेंस के फायदे। देखिए, हम इंश्योरेंस लेते हैं कि कोई भी रिस्क है उसकी भरपाई के लिए, नुकसान होता है तो उसकी भरपाई के लिए। और हम बात करते हैं ट्रैवल इंश्योरेंस की, तो अगर हम कहीं बाहर जा रहे हैं, चाहे वो देश में हो या देश से बाहर हो, तो उसके लिए अगर किसी तरह की भी दुर्घटना होती है, कोई भी रिस्क है, उसको कवर करने के लिए हम ट्रैवल इंश्योरेंस लेते हैं। तो ट्रैवल इंश्योरेंस डोमेस्टिक भी हो सकता है या फिर इंटरनेशनल हो सकता है। अगर हम डोमेस्टिक की बात करें, यहाँ पे आपकी फ्लाइट कैंसिल हो गई, ट्रिप कैंसिल हो गई, या आपकी फ्लाइट डिले हो जाती है, या फिर आपका सामान, चेक इन किया हुआ सामान वो खो जाता है, या सामान आने में देरी होती है। कई बार ऐसा भी होता है कि आप अपनी जगह पे पहुंच जाते हैं लेकिन सामान उस फ्लाइट में लोड नहीं हो पाता है, फिर वो बाद में आपके पास आ भी जाता है लेकिन आपको उससे काफ़ी दिक्कत हो जाती है। तो ऐसी कोई भी आपके साथ में दिक्कत हो, उसको कवर करने के लिए आपके पास डोमेस्टिक कवर है। लेकिन अगर हम बात करें इंटरनेशनल कवर की, तो इंटरनेशनल में रिस्क और भी ज्यादा होता है। जब हमने बात की डोमेस्टिक में कि फ्लाइट कैंसिल हो गई, डिले हो गई, या आपका चेक इन किया हुआ सामान खो गया, वो सब बातें तो है ही हैं। प्लस उसके अलावा जहां आप बाहर गए हो वहां पर कुछ मेडिकल इमरजेंसी हो जाती है, हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है, तो वो बहुत महंगा होता है क्योंकि जो ट्रीटमेंट की कॉस्ट है वो इंडिया के मुकाबले बाहर बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो वो एक और भी बड़ा रिस्क होता है। उसके अलावा पासपोर्ट खो गया, आपका सामान खो गया, या फिर आपके होटल में जहाँ पर आपने स्टे करना था वहाँ कोई प्रॉब्लम हो गई, आपको स्टे नहीं हुआ, या किसी भी तरह की और कोई दिक्कत होती है, कंट्री छोड़ना पड़ जाता है किसी केस में, तो ऐसी बहुत सारी, जब आप बाहर घूमने जाते हैं तो और बहुत सारे रिस्क हो सकते हैं। यहाँ तक कि आप बाहर घूमने गए हुए हैं और उस वक्त आपके इंडिया में आपका जो घर है, जो आप छोड़ के गए हैं, वहाँ पर चोरी हो जाती है, इस तरह का रिस्क है, या आपके जो डिपेंडेंट, यहाँ पर आप अकेले गए हैं और यहाँ पर फैमिली मेम्बर्स को छोड़ के गए हैं, उनके साथ में कोई प्रॉब्लम होती है, तो इंश्योरेंस पॉलिसी में, ट्रैवल इंश्योरेंस में वो भी कवर हो सकता है। इवन अगर डेथ हो जाती है बाहर गए और वहाँ पर किसी व्यक्ति की डेथ हो गई, इंश्योर्ड पर्सन की, तो वो भी उसमें कवर होता है कि उसकी उसके जो लास्ट राइट है उसको करने के लिए, या डेड बॉडी को अपनी कंट्री में लाने के लिए जो खर्चा होता है वो भी इंश्योरेंस पॉलिसी में कवर हो सकता है। तो जिस तरह के भी आप रिस्क सोच सकते हैं ट्रैवल के दौरान, वो सारे रिस्क को कवर करने के लिए ट्रैवल इंश्योरेंस एक बहुत ही इम्पोर्टेंट विकल्प है। बिल्कुल, तो ट्रैवल इंश्योरेंस बेहद जरूरी है लेना, और लेना क्यों जरूरी है ये मैं आपसे जानना चाहती हूँ, क्योंकि फायदे तो आपने गिना दिए लेकिन फिर भी लोग अपने सफर के लिए तमाम चीजें पैक तो कर लेते हैं लेकिन ट्रैवल इंश्योरेंस जैसी महत्वपूर्ण चीज भूल जाते हैं। पंकज जी, बिल्कुल, मैंने जो जिक्र किया अभी पहले भी कि जब भी हम जाते हैं, ट्रैवल करते हैं, चाहे वो इंडिया में कर रहे हों, इंडिया से बाहर कर रहे हों, देश में हो या विदेश में हो, रिस्क हमेशा बना रहता है। चाहे रिस्क वो सामान खोने का हो, फ्लाइट डिले का हो, फ्लाइट कैंसिलेशन हो, इस तरह के रिस्क रहते ही हैं। और डोमेस्टिक में जैसे हम बात कर रहे थे, तो यहाँ पर रिस्क फिर भी लिमिटेड है कि आपकी फ्लाइट डिले हो गई, या आप चलिए शायद फ्लाइट डिले हुई तो दूसरी फ्लाइट पकड़ लेंगे फिर चले जाएंगे, मल्टीपल फ्लाइट्स हैं, रिस्क फिर भी कम होगा। हालांकि सामान खो जाता है, यहाँ पर भी ऐसा नहीं है, बहुत बार एयरलाइन की गलती की वजह से आपका सामान चोरी हो जाता है, लेट हो जाता है, या सामान नहीं पहुंच पाता है। उसके अलावा लेकिन इंटरनेशनल के, जो पहले भी बात मैंने की, इंटरनेशनल में रिस्क आपका बहुत ही ज़्यादा होता है। बीमार पड़ गए बाहर जाने के बाद, सामान चोरी हो गया, सामान खो गया, प्लेन हाईजैक हो गया, इवन वो भी इंश्योरेंस पॉलिसी में कवर हो सकता है। एक्सीडेंट हो गया, डेथ हो गई, या आप बाहर गए हुए थे और आपके पीछे आपका जो इंडिया में घर है वहाँ पर चोरी हो गई, तो ये सब चीज़ें भी वहाँ कवर हो सकती हैं। तो एक तो बात होती है पीस ऑफ माइंड, सी आपके साथ में क्या दुर्घटना होगी और दुर्घटना होने के बाद जो नुकसान होगा उसकी भरपाई के लिए आप
कंपनसेशन लेंगे वो तो बात की बात है, पर पहली बात होती है पीस ऑफ माइंड। जब आप कहीं घर छोड़कर जाते हैं तो आपको हमेशा लगता है कि मैं जा तो रहा हूं पर मेरे साथ अगर कुछ हो गया तो क्या होगा, अगर वहां पर मेडिकल इमरजेंसी आ गई तो क्या होगा, वहां पर अगर मेरे साथ मैं वहां पर गया हूं और बाद में किसी को अटेंडेंट को भी यहां से ट्रेवल करना पड़ा तो क्या होगा, वहां से अगर पूरी फैमिली गई हुई है कुछ लोगों को वापस भेजना पड़ा तो क्या होगा, बहुत सारी बातें मन में चलती रहती हैं। तो ये जो रिस्क होता है, एक तो ये होता है एक्चुअल में लॉस हो गया तो लॉस की भरपाई के लिए तो हम इंश्योरेंस लेते ही हैं, बट उससे पहले जो मन में चलता रहता है कि अगर ये कोई दुर्घटना हो गई तो क्या होगा, मेरा सामान नहीं पहुंचा तो क्या होगा, तो इंश्योरेंस लेने से एक बात होती है पीस ऑफ माइंड की, शांति होती है कि कुछ नुकसान हुआ तो कम से कम मुझे उसका कवर मिल जाएगा। जी, तो मतलब घूमो फिरो टेंशन फ्री, और इसके लिए ट्रैवल इंश्योरेंस बेहद जरूरी। पंकज जी, अभी बताइए कि ट्रैवल इंश्योरेंस में कवर क्या क्या होता है, क्या नॉन मेडिकल खर्चे होते हैं जो ट्रैवल इंश्योरेंस से एकदम बेफिक्र हो जाते हैं? बिल्कुल, देखिए मेडिकल के अलावा जैसे एक तो मैंने बात की बैगेज, आपका बैग छूट जाता है, डिले हो जाता है, फ्लाइट डिले हो जाती है, फ्लाइट कैंसिल हो जाती है, आपका पासपोर्ट खो जाता है, इस तरह की जो भी चीज़ें हैं वो सब इसमें कवर होती है। इवन बाहर जाके जब किसी की डेथ हो जाती है, ऐसे भी केस होते हैं, तो डेथ के बाद में उसका फ्यूनरल करना वहाँ पर या फिर डेड बॉडी को अपनी कंट्री में लेके आना, वो भी बहुत बड़ा एक्सपेंस होता है। बाहर से अगर हम बात करें कि डेड बॉडी अपनी कंट्री में लाई जाए तो बड़ा एक्सपेंस होता है उसका, बड़ा प्रोसीजर होता है। वहाँ पर जाके आपके पैसे खो जाएँ, आपका वॉलेट खो जाए और पैसे नहीं हो तो वो बड़ी इमरजेंसी होती है, वो भी इसमें कवर होती है। होटल में आपको अगर होटल में आपने इवन बुकिंग की हुई है लेकिन आपका किसी वजह से होटल में चेक इन नहीं हो पाता है तो वो भी इसमें कवर होता है। और इमरजेंसी आपको अलाउंस भी मिलता है अगर आपने इंश्योरेंस पॉलिसी ली है। हर पॉलिसी के कुछ फीचर्स एंड बेनिफिट्स होंगे वो आपको देखने होंगे, लेकिन इस तरह की चीज़ें कि अगर आपका सामान खो जाता है या आपके पास पैसे नहीं है वहाँ पर जाने के बाद में, तो आपके को अलाउंस भी वहाँ पर मिलता है। आपका वॉलेट खो गया, आपका पासपोर्ट खो गया, आपका ड्राइविंग लाइसेंस खो गया, कोई भी सामान आपका चोरी हो जाता है, खो जाता है, तो उस तरह की जो दिक्कत होती है कि उसको दोबारा से बाय करने के लिए या उसका जो कंपनसेशन है वो तो मिलेगा, प्लस डेली अलाउंस जो होता है कि उस वक्त जो आपका लॉस हो रहा है उसका भी आपको पैसा मिलता है। तो मेडिकल ही नहीं, नॉन मेडिकल की भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी में कवर होती हैं। यहाँ तक कि आप बाहर गए हुए हैं और आपके पीछे इंडिया में, मतलब ये ऑप्शनल होते हैं, हर पॉलिसी में शायद नहीं भी हो, या फिर ऐसा भी होता है कि एक ही इंश्योरेंस कंपनी के भी बहुत सारे प्लान होते हैं और उसमें सिल्वर प्लान, गोल्ड प्लान, ब्राउन प्लान, कुछ भी नाम हो सकता है, तो वहाँ पर आप देख लें कि आपकी पॉलिसी में फ़ीचर हैं या नहीं है, या फिर ऑप्शनल फ़ीचर भी हो सकते हैं। पर ध्यान रहे कि आप जब इंडिया से बाहर कहीं बाहर गए हुए हैं तो इंडिया में घर आपका छूटा हुआ है, यहाँ पर कोई चोरी हो जाती है घर में, कोई सामान खो जाता है तो वो भी घर में चोरी होती है, या फिर कोई घर में डिपेंडेंट है उनके साथ में कोई दिक्कत होती है, वो चीज़ें भी यहाँ पर कवर होती हैं। तो मेडिकल ही एक चीज़ नहीं है, बहुत बार लोग सोचते हैं कि बाहर बीमार पड़ गया जाके तो मेरा खर्चा बहुत ज़्यादा होगा, वो तो एक है ही है, लेकिन उसके अलावा भी जो इम्पोर्टेंट मैंने बताया कि आपके पीछे या वहाँ पर आपके साथ में जो भी नॉन मेडिकल इस तरह की दिक्कतें होती हैं वो भी इंश्योरेंस पॉलिसी में ट्रैवल इंश्योरेंस पॉलिसी में आपकी कवर हो सकती है। बिल्कुल पंकज जी, आप कह रहे हैं कि नॉन मेडिकल खर्चे कवर होते हैं ट्रैवल इंश्योरेंस में। आपने मेडिकल खर्चों का भी जिक्र किया, तो मेडिकल कंडीशन किसी की आ जाती है, बाहर घूमने गए हैं, बीमार हो जाते हैं कोई भी किसी वजह से, तो उस पर क्या फायदा मिलता है ट्रैवल इंश्योरेंस से? देखिए मेडिकल में तो एक्सीडेंट वहाँ पे हो गया या कोई वैसे बीमार पड़ गया, कोई भी बीमारी हो सकती है वहाँ जाने के बाद में, या एक्सीडेंट हो गया इवन वहाँ पर, इवन अगर एक्सीडेंट होने के बाद में इंक्लूडिंग कि अगर मैं एग्जांपल दूं कि दांत ही रिप्लेस करने पड़ जाएं तो वो भी वहाँ पे कवर हो सकता है उस पॉलिसी के अंदर, या फिर कोई भी चीज़ अगर एक्सीडेंट हुआ है तो किसी तरह की भी जो सर्जरी होगी, प्लास्टर होगा, अगर कुछ फ्रैक्चर होते हैं तो उसका ट्रीटमेंट है किसी भी तरह का, या फिर बाहर जाने के बाद में जैसे कोई भी बीमारी होती है, टाइफॉइड, निमोनिया, छोटी मोटी भी चीज़ें होती हैं, डेंगू है, तो कुछ भी ऐसी चीज़ें होती हैं वो सारी चीज़ें उस पॉलिसी में मेडिकल में कवर हो सकती हैं। लेकिन हाँ, दो दिन का कम से कम हॉस्पिटलाइजेशन हो तो ही वो उसमें कवर होता है। कंडीशन जैसे हम इंडिया में भी देखते हैं जब हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं तो वहाँ पर भी हम देखते हैं कि मिनिमम 24 घंटे अगर हॉस्पिटलाइजेशन हुआ तो उसमें कवर होता है। ऐसे ही जब बाहर जाते हैं तो वहाँ पर 2 डेज का अगर हॉस्पिटलाइजेशन हुआ
तो फिर वो मेडिकल एक्सपेंसेस आपके पॉलिसी में कवर हो जाएंगे। इसमें बहुत सारे एक्सक्लूजन और इंक्लूजन आपको देखने होंगे। बहुत सारे कई बार ऐसी होती है कि प्री एग्जिस्टिंग डिजीज वो कवर नहीं होती हैं, कुछ पॉलिसी में प्री एग्जिस्टिंग डिजीज भी कवर होती हैं। और जो सम इंश्योर्ड है वो भी डिपेंड करता है पॉलिसी टू पॉलिसी, एक लिमिट भी हो सकती है कुछ पॉलिसी में 50,000 USD से लेकर और आजकल 10 लाख USD तक का भी कवर मिल जाता है। लेकिन आपको उसमें बहुत सारी चीज़ें देखनी होंगी, जैसे सब लिमिट्स वगैरह क्या हो सकती हैं, या पॉलिसी आपने ले ली 10 लाख USD की, इंटरनेशनल कवर की मैं बात करूं, लेकिन उसके अंदर डिफरेंट प्रोसीजर्स के लिए, डिफरेंट ट्रीटमेंट के लिए, डिफरेंट तरह के लॉस के लिए आपके कवर में लिमिट भी हो सकती हैं। पंकज जी, अच्छा ट्रैवल इंश्योरेंस कहाँ से लें? देखिए, आजकल जो भी नॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है सभी ट्रैवल इंश्योरेंस देती हैं, लेकिन सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है उनका कैसा क्लेम सेटलमेंट का रिकॉर्ड है, कैसा पोस्ट पॉलिसी सर्विसेज हैं। एक बार अपने पॉलिसी ले ली, क्योंकि हमारे इंडिया में आप चाहे इंश्योरेंस की बात करो या किसी भी दूसरे प्रोडक्ट की बात करो, जिस टाइम पे आपको प्रोडक्ट बाय करना होता है उस वक्त बहुत सारे सेल्स पीपल आपके पीछे रहेंगे, आपको सारे फीचर बताएंगे, बट एक बार आपने वो प्लान ले लिया, प्रोडक्ट ले लिया, तो उसके बाद में फिर आपको सर्विस किस तरह की मिल रही है, आपकी बात सुनी जाती है नहीं सुनी जाती है, वो भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है। तो हमेशा ये देखें कि आपने एक बार प्लान ले लिया, उसके बाद में वो कंपनी आपकी बात सुनती है, आपको कितना टाइम लगता है। कई बार आप देखेंगे कि जब आप पहले कोई प्लान लेने के लिए आप कॉल सेंटर में फ़ोन करते हैं तो आपका फ़ोन इमीडिएट उठा लिया जाता है, मतलब उनके पास जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, वो सर्विस बहुत इजीली अवेलेबल होती है। लेकिन अगर आप कोई कंप्लेंट करते हैं तो आपको अपनी कंप्लेंट दर्ज कराने के लिए आप देखेंगे कि वो कॉल सेंटर में जो एग्जीक्यूटिव है आपके फ़ोन में 5 मिनट 10 मिनट तक भी आपको वेट करना पड़ जाता है। इसका मतलब ये है कि जो सेल्स टीम है वो बहुत बड़ी है, वहाँ पर बहुत लोग बैठे हुए हैं आपकी बात सुनने के लिए, आपका नंबर जल्दी आ जाता है, और जब आपको कंप्लेंट करनी होती है उस वक्त वहाँ पर लोग बहुत छोटी टीम होती है, आपका नंबर बहुत देर में आता है। तो ऐसा इंडिया में देखा गया कि पोस्ट सेल सर्विस जो है वो थोड़ी सी लिमिटेड होती हैं, तो आपको इंश्योरेंस में भी देखना चाहिए, क्योंकि कहीं भी आपके साथ दिक्कत हो तो उस वक्त आप चाहेंगे कि एक तो मेरा सामान चोरी हो गया या मेडिकल इमरजेंसी हो गई है और आपको 10 मिनट वहां पर कॉल सेंटर में वेट करना पड़े, तो इसके लिए ये सब आप रेफरेंस जरूर चेक करें। आप एक तो क्लेम सेटलमेंट रेशियो वगैरह देखें, जो अच्छी इंश्योरेंस कंपनीज हैं इंडिया में और काफ़ी टाइम से जो यहां पर सर्विस दे रही हैं वहीं पर आप जाएं। आप प्रीमियम जरूर देखें कि कम और ज़्यादा क्या है, लेकिन प्रीमियम सिर्फ एक क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए। अगर आपको थोड़ा सा, जब आप ट्रैवल कर रहे हो, बहुत खर्चा कर रहे हो, वहां पर आपको 5-10% ऊपर नीचे मेरे हिसाब से नहीं कंसिडर करना चाहिए। बिल्कुल। मनी गुरु में आज हम जान रहे हैं ट्रैवल इंश्योरेंस की बारीकियां। हमारे साथ हैं ऑप्टिमा मनी के MD पंकज मटपाल। पंकज, ये बताइए कि ट्रैवल इंश्योरेंस कितना महंगा पड़ता है और इसका प्रीमियम कितना देना होगा? ट्रैवल इंश्योरेंस बहुत महंगा नहीं होता है। पहली बात तो डोमेस्टिक की बात करूँ तो यहाँ तो बहुत ही सस्ता होता है, क्योंकि आप किसी ट्रिप पे जा रहे हो तो उसका बहुत ज़्यादा नहीं होता है। इवन सिर्फ अगर फ्लाइट का आप ले रहे हो कि आपको बाहर जा रहे हो और आप कहीं, मतलब होटल स्टे वगैरह उसमें सब इंक्लूडेड नहीं है, आप फ्लाइट के अंदर जो दिक्कत होती है सिर्फ कि बैग चोरी हो गया या फ्लाइट कैंसिल हो गई, फ्लाइट डिले हो गई या बैग डिले हो गया, आपका चेक इन किया हुआ लगेज डिले हो गया, तो ऐसे केस में आपका जो कवर है वो बहुत ही सस्ता होता है। मतलब 200-250 रुपये का आपका प्रीमियम होता है वो वन ट्रिप का, तो ये तो बहुत ही सस्ता हो जाता है। लेकिन अगर मैं बात करूँ इंटरनेशनल कवर की, तो वहाँ भी डिपेंड करता है आप कहाँ जा रहे हो। आप US या कैनेडा जा रहे हो तो थोड़ा सा आपका ज़्यादा होगा। आप एशियन कंट्रीज़ में अगर ट्रेवल कर रहे हो तो इंश्योरेंस कवर आपका इंश्योरेंस का प्रीमियम जो है वो थोड़ा सा कम होगा, लेकिन ये बहुत ज़्यादा नहीं होता है। अगर आप मान लीजिए US भी जा रहे हैं, US कैनेडा जा रहे हैं, आप एक वीक के ट्रिप पर पूरा आपका प्लान है और आप वहाँ पर एक मैं आपको बोलूँ कि करीब 2,50,000 USD, आप 2,50,000 USD तक का आप अगर मेडिकल एक्सपेंसेस उसमें कवर लेके चल रहे हो, मेडिकल कवर लेके चल रहे हो, तो उसका प्रीमियम लगभग, अगर एक वीक का आपका ट्रिप है तो उसका प्रीमियम लगभग 5,000 रुपये होगा। तो मेरे हिसाब से जब आप US जाने की बात कर रहे हो, और वो भी मैं 4 मेंबर्स की बात कर रहा हूँ कि आपने पूरी फैमिली का 4 मेंबर्स हैं जहाँ पर सबके एज 50 ईयर्स के नीचे है, तो बच्चे भी कवर हो गए, हस्बैंड वाइफ भी हो गए, हस्बैंड वाइफ 2 बच्चे, ऐसे केस में भी अगर एक वीक का US या कैनेडा का ट्रिप है और जहाँ पे 2,50,000 का मेडिकल कवर मैंने उसमें इंक्लूड किया है तो मेरा 5,000 का आ रहा है, और यही मैं अगर एशिया में कवर करता हूँ तो मेरा ये करीब 2,000 रुपये होगा। तो काफ़ी, बहुत ज़्यादा नहीं है मेरे हिसाब से ऐसा कवर लेना।
तो इस तरह का कवर बिल्कुल कंसिडर करना चाहिए। और अब जब यूएस की बात करते हो या आप या सिंगापुर या मलेशिया भी जा रहे हो तो भी आपका अच्छा खासा एक आप बजट लेके चलते हो, घूमने जा रहे हो, तो ऐसे ऐसे केस में 2,000-5,000 रुपये का इंश्योरेंस का प्रीमियम मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा नहीं है, वो हमेशा आपको इंक्लूड करना चाहिए। प्रीमियम की तो बात हो गई, लेकिन ये कई लोग जानना चाहते हैं कि आखिर सही ट्रैवल इंश्योरेंस पॉलिसी चुनी कैसे जाए। बिल्कुल, देखिए आप कभी भी कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं तो एक तो चीज़ है कि आप उसके फीचर्स, उसके बेनिफिट्स पढ़ें, उसको ध्यान से देखें, उसमें एक्सक्लूजन क्या है, क्या क्या इंक्लूडेड है वो बहुत देखें। और दूसरी बात, ये फीचर देखने के बाद भी हमने पहले बात की कि हमें सर्विस देखनी चाहिए, लेकिन आपको कैसे मालूम चलेगा कि उस कंपनी की सर्विस कैसी है? एक तो ये हो सकता है कि ट्रैवल इंश्योरेंस ना सही, बट आपने दूसरी तरह की इंश्योरेंस पॉलिसी ली हो उस कंपनी से और आप उनके सर्विस से खुश हों, तो आप उसी कंपनी से जहाँ पर आपका हेल्थ इंश्योरेंस है, जहाँ पर आपने मोटर इंश्योरेंस लिया है, उसी कंपनी से आप ट्रैवल इंश्योरेंस भी ले लें तो आपको एक रेफरेंस मिल जाता है। दूसरी बात होती है, हम हमेशा रेफरेंस चेक करते हैं, हम कोई सामान बाय करते हैं तो अपने दोस्तों से पूछते हैं, अपने रिलेटिव से पूछते हैं कि आपने जो ये मोबाइल लिया हुआ है कैसा है, आप खुश हो कि नहीं हो, या आपने ये प्रोडक्ट लिया है कैसा है, आप इनकी सर्विस से खुश हो या नहीं हो। ऐसे ही आप ट्रैवल इंश्योरेंस में भी अपने रेफरेंस ज़रूर चेक करें, अपने रिलेटिव से, फ्रेंड से, कि उन्होंने जो पॉलिसी ली है उनका कैसा एक्सपीरियंस रहा। ज़्यादा करके ट्रैवल इंश्योरेंस में ऐसा भी हो सकता है कि आपको लोग बोलेंगे कि हमने तो क्लेम किया ही नहीं, हमने पॉलिसी ली थी, क्योंकि क्लेम इतने ज़्यादा नहीं होते हैं, तो आपके फ्रेंड्स, आपके रिलेटिव बोल देंगे हमने इंश्योरेंस तो कई बार लिया, बट भगवान की कृपा से कभी हमें क्लेम लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन फिर भी आप लोगों से ये चेक जरूर कर सकते हैं। और उसके बारे में दूसरी बात ये भी होती है, आजकल तो ऑनलाइन चेक करते हैं तो रिव्यूज़ पढ़ने को बहुत मिल जाते हैं, कोई भी प्रोडक्ट देखो तो आप कभी उस प्रोडक्ट देखोगे अगर आप सोशल मीडिया वगैरह में, तो उसके रिव्यूज़ बहुत मिलते हैं। तो हमेशा कोई भी प्रोडक्ट बाय करने से, जैसे आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो तो रिव्यूज़ पढ़ते हो, ऐसे ही इंश्योरेंस पॉलिसी लेने से पहले भी, ट्रैवल इंश्योरेंस लेने से पहले भी आप रिव्यूज़ भी उसके देख सकते हो। और आजकल बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो हमेशा टाइम टाइम पर रिव्यू करती रहती हैं प्रोडक्ट का, तो प्रोडक्ट रिव्यू करने से भी आपको थोड़ी मदद मिल सकती है। आप उसे बहुत भरोसा भी नहीं कर सकते, कई बार बहुत सारे पेड रिव्यूज़ भी होते हैं, ये भी ध्यान रखिए, लेकिन फिर भी आप एक रेफरेंस चेक करने के हिसाब से थोड़ा सा उसकी भी मदद ले सकते हैं। अब ट्रैवल इंश्योरेंस तो ले लिया, लेकिन ऐसे कौन से सिचुएशन है, कैसी कैसी सूरतें हैं जिसमें क्लेम अटक सकता है? क्लेम रिजेक्ट होने के, क्लेम डिले होने के रीजन बहुत सारे हो सकते हैं। पहली बात तो ये है कि इंश्योरेंस पॉलिसी में क्या क्या एक्सक्लूडेड है, बहुत सारे एक्सक्लूजन हो सकते हैं, वो आपको पता नहीं है, उसकी वजह से आपने क्लेम किया और वो आपका क्योंकि उस पॉलिसी में एक्सक्लूडेड था, इसकी वजह से वो रिजेक्ट हो सकता है। दूसरी बात, फॉर्म आपने सही नहीं भरा, सही जानकारी नहीं दी, उसकी वजह से रिजेक्ट हो सकता है। और साथ ही जब पॉलिसी ली थी उस वक्त आपने कुछ इन्फॉर्मेशन इनकरेक्ट दी थी या कुछ डिस्क्लोज नहीं किया था, जिसकी वजह से आपका क्लेम रिजेक्ट हो सकता है। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ हो सकती है कि जो बिल्स हैं वो आपने बराबर से संभाल के नहीं रखे, आपने क्लेम किया लेकिन आपके पास सपोर्टिंग के जो बिल्स हैं वो आपके पास नहीं हैं, जो भी मेडिकल एक्सपेंस था या कोई चीज़ थी वो आपके पास बिल नहीं थे, उन बिल के नहीं होने की वजह से भी आपका क्लेम रिजेक्ट हो सकता है। तो और दूसरी बात, क्लेम लेने में बहुत ज़्यादा डिले हो जाता है तो उससे भी क्लेम रिजेक्ट हो सकता है। तो क्लेम रिजेक्ट होने के जो महत्वपूर्ण जो चीज़ें हैं वो यही हैं कि आपके पास जब भी लॉस हो, आपके पास अब बिल अवेलेबल हो, जो भी एक्सपेंस हुए हैं उनके बिल्स हों, और आपने फॉर्म बराबर से भरा हो, आपने जानकारी जब आपने इंश्योरेंस पॉलिसी ली है उस वक्त सही सही जानकारी दी है, कुछ भी आपने चीज़ें छिपाई नहीं हैं, तो आपको शायद क्लेम मिलने में दिक्कत नहीं होगी। और पंकज जी, आखिर में आपसे जानना चाहते हैं कि हॉलिडे पर जाते वक्त हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे कि एकदम बेफिक्र होकर हर कोई घूमे फिरे। देखिए, हॉलिडे पर जाने से पहले आपने ओवरऑल पूछा क्या ध्यान होना चाहिए, तो डेफिनेटली अपना सामान, जो भी वहाँ ज़रूरत पड़ने वाली है उसको आपको लेके जाना चाहिए। और मैं एक सलाह और दूंगा, ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से, कि आप जब भी फ्लाई करते हो तो क्योंकि आपके पास में एक केबिन बैगेज भी होता है, केबिन में भी बैग लेके जाते हो सके तो जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, अगर एक जोड़ी कपड़े भी हो सके तो आप अगर उसमें भी रख के लेके जाओ, तो अगर किसी वजह से बैग खो भी जाता है वहाँ पर तो आपको कंपनसेशन तो बात की बात है कि मिलेगा, आप वहाँ पर सामान खरीदोगे, पर उससे पहले थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। तो थोड़ा सामान ऐसा कि जो चीज़ें आपको इमरजेंसी में लगने वाली हैं वो चाहे आपके केबिन बैगेज में जो चीज़ अलाउड हैं
और वो आपके चेक इन लगेज में भी अलाउड है, उसके बाद भी आप थोड़ा सामान ऐसा लेके जाएं जो केबिन में अलाउड है और आप साथ में कैरी कर सकते हैं, उसको आप साथ में जरूर लेके जाएं। अब हम बात करते हैं इंश्योरेंस के एंगल से, तो डेफिनेटली इंश्योरेंस कवर आप साथ में लेके जाएं और वहाँ पर आप सभी चीज़ें दिक्कत हो जाए तो आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी, कई बार लोग इंश्योरेंस ले लेते हैं लेकिन पॉलिसी अपने पास नहीं होती है, मतलब पॉलिसी का जो डॉक्यूमेंट है वही लेके जाना भूल जाते हैं। आप हमेशा अगर आपने ऑफलाइन भी ली है तो उसको आप अगर ईमेल में नहीं भी आई है तो स्कैन करके कॉपी अपने पास रख लें। आप नंबर हमेशा हैंडी रखें कि आपको अगर वहाँ पर इंश्योरेंस कंपनी को कंप्लेंट करनी है अपना कवर, और ये भी बहुत ज़रूरी है कि जब भी लॉस होता है या कभी मेडिकल इमरजेंसी होती है तो उसको आप बिल्कुल अपना प्री अप्रूवल जरूर ले लें उसका, नहीं तो प्री अप्रूवल नहीं लिया तो भी इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्ट होने के चांस होते हैं। तो आप प्री अप्रूवल ले लें वहाँ पर, जब भी हो आपके पास जाने से पहले सारे नंबर्स अवेलेबल हों कि अगर कुछ दिक्कत हो गई तो कहाँ पर फ़ोन करें, कहाँ कंप्लेंट करें, और आपके बैग में क्या क्या सामान है आपके पास में, चाहे वो चेक इन लगेज हो या आपके पास में वो कैबिन बैग हो, लेकिन आपके पास में उसमें क्या क्या सामान है वो पूरी लिस्ट आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए, वो जरूर रखें। बहुत बहुत शुक्रिया पंकज जी हमारे साथ ट्रैवल इंश्योरेंस की बारी किया दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो इसी के साथ मनी गुरु के आज की इस खास पेशकश में बस इतना ही।